वंदे मातरम कैसे हैं हम देखेंगे आज। पोएम नंबर टू नोजेस। नोजेस माने नाक। अभी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नाक होते हैं बच्चों, तो इसके प्रकार हम आज देखेंगे किन के नाक कैसे हैं। और हमको किसी को टीस तो नहीं करना है, बट हमको क्या करना है, समझना है ये पोएम। जैसे हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के आंसर्स में कि कैसे लेसन में हमें नाक को समझने की परिभाषा बताई है। जैसे फर्स्ट है, रीड द गिवन स्टैंजर्स ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये दिया है और आपको ये चार पांच लाइनें पढ़नी है और उसी में से आंसर आपको ढूंढना है। फोर्थ स्टैंडर्ड इज गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि ऑलरेडी आपको आंसर्स दे चुके हैं, आपको कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आंसर वहाँ दिया है वही यहाँ पे लिखना है। तो इस बार का जो भी पढ़ाई का क्रम है वो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो पढ़ भी नहीं पाएगा, जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, वो भी आगे का पढ़ के नीचे के आंसर्स लिख सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पैराग्राफ दे दिया है। आई लुक्ड इन द मिरर, आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। मैं जब भी मैं अपने आप को देखा, मैंने अपनी नाक को देखा, क्योंकि नाक ही मुझे अपने आप खींचती है, बाकी सब छोटे छोटे हैं मेरे फेस पे, बट नाक मेरी लंबी है तो पहली नज़र नाक पे जाती है, राइट। इज द फनीएस्ट थिंग एंड इट वे द वे इट ग्रोज। तो जैसे ये कोई नाक नहीं है, कोई कैरेट है, कैरेट माने कोई गाजर है, ये बढ़ता ही जा रहा है, लंबा होता ही जाता है। देखना, आप छोटे थे तो छोटा सा नाक था, आप बड़े हो तो बड़ा सा नाक है। स्टक राइट अप वेयर ऑल ऑफ दीज शोज विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। तो वो कह रहे दो होल्स क्यों दिए मुझे, बाकी तो कोई होल्स नहीं है, है ना, तो ये दो होल्स क्यों दिए। ऐसा करके पोएट सोच में पड़ गए। व्हाट डज द चाइल्ड यूज टू लुक इज नोज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड यूजेस अ मिरर टू लुक। मैंने जैसे अभी आपको बताया, चाइल्ड क्या करता है, मिरर में देखता है, मिरर में देख के उनको पता चलता है कि उनके अभाव स्वभाव क्या है, कौन सी चीज़ उनके फेस पे अलग से है। What according to the child is the funniest thing? According to the child, the funniest thing about the nose is the way it grows. तो वो जो बढ़ रहा है नोज, उसके बारे में यहाँ पे वाक्य रचना की गई है। तो जैसे हमने यहाँ देखा, What is the role of the two little holes in the nose? Third question, the role of the two little holes in the nose is to breathe. सबको पता है मैम कि हमारे पास नाक है, वो हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने। यूज द वर्ड फनी इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। कोई भी वाक्य रचना कीजिए आप, एवरी वन लाव्स एट द जोकर्स फनी एक्सप्रेशन। तो जो भी आप एक्सप्रेशन करोगे उस पर लोग हंसेंगे, और स्पेशली हमारे जोकर्स आप करेंगे तो खास। तो ये हमें यहाँ पे हमने गौर फरमाना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया गया है, उनके एक्सप्रेशन देख के हमको क्या हुआ है, हमको एक्सप्रेशंस कैसे लगे हैं, तो ये आपको लर्न करना है बच्चों, इसके स्पेलिंग के साथ, ठीक है। फाइंड टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लाइन्स। तो कौन से हमारे राइमिंग्स हैं, जैसे नोज, कौन सा क्वेश्चन है ये, फिफ्थ, जैसे नोज शोज गोज, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। आई लुक इन द मिरर एंड सॉ
In there, the end of my chin and start of my hair. Okay, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle ticking there. तो यहाँ पे दिया है कि मैं जब मेरे मिरर में देखता हूँ देर आई एंड सॉ इन देर द एंड ऑफ माय चिन एंड स्टार्ट ऑफ माय हेयर स्टार्ट जहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं एंड बिटवीन देर देर इज इन स्पेस टू स्पेयर विद माय नोज. तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे है, फिर चिन है मेरी, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में कुछ जगह ही नहीं है, है ना. यहाँ से बाल है, फिर यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं. तो बहुत सारी ढेर सारी स्पेस है और फिर ये मेरा नाक है और फिर हैंडल द टिकलिंग देयर, ठीक है, स्टिकी देयर, मतलब जैसे इनको हैंडल को जैसे यहाँ पे स्टिक किया है, स्टिकिंग देयर, तो आपको ऐसे लगता है. तो यहाँ पे पेज नंबर 14 हमारा ख़त्म हुआ बच्चों. हम देखेंगे अब नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है. विच पार्ट्स ऑफ द फेस आर मेंशन इन द अबव लाइन्स. तो जो बीच में लाइन्स दिए हैं बच्चों उसमें कैसे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया है, तो वो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. यहाँ पे हमको दिया है, क्या दिया है, चिन, हेयर, नोज आर मेंशन इन द अबव लाइन्स. तो ये आपको याद रखने हैं. देर इज अ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द चिन एंड द स्टार्ट ऑफ द हेयर. तो रॉन्ग, कह रहे काफ़ी स्पेस है ना, काफ़ी स्पेस, तब जाके चिन आता है, तब जाके आपका ये हेयर आता है. तो काफ़ी जगह है और ये जगह पूरी नोज कवर करता है. When the child looked in the mirror, she sees the end of the chin and the start of her hair. तो ये start इसका hair है. The child finds her nose like a handle. तो वो उनको handle जैसा लगता है. The child finds her nose like a handle. Then fifth वाला find a bear. From the above lines which are opposite to each other, जैसे end, start, end कुछ करना तो start करना. If ever you want to giggle and shout, जब आपको इच्छा होती है बच्चों कि आपको मस्ती करनी है, कोई गुदगुदी करेगा तो आप क्या करते हो, giggle करते हो, मतलब ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसते हो, ही ही ऐसे करते हो, उसको कहते हैं giggle. आपको पता है fish giggle करती है, हौले से हंसती है पर पता नहीं चलता, बट सबको ऐसा लगता है कि उनकी गिगल विद की एंड गिगल विद, है ना, तो सबको लगता है कि वो अपनी पूँछ हिला रही है एंड कांट थिंक ऑफ दैट टू डू इट अबाउट. जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट. वो कह रहे कि कितना अच्छे से आपका, जब आप देखोगे चेहरे पे तो आपको लगता है कि आपका नोज है ना स्टिकिंग आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है. देखो यहाँ भी मेरा नाक बाहर आ रहा है, बाकी ये सब चीज़ें अंदर है, नाक तो बाहर है. जब आप कार्टून ड्रॉ करते हो तभी भी क्या होता है, जैसे अगर आप, मैं अभी मैं आपको ड्रॉ करके कुछ दिखाऊँ तो आपको बोलेगा यस मैम, जैसे चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, हाँ ये क्या है देखिए बच्चों, है ना. तो बाहर वाली चीज कौन सी है, यहाँ पे व्हाट डज द अबव लाइन मींस टू लाफ टाइट लाइटली, मतलब गिगल, जैसे मैंने आपको बोला धीरे से हंसना मतलब गिगल करना. फाइंड देयर पार्ट्स ऑफ द राइम्स, तो आपको राइम्स के पार्ट फाइंड आउट करने हैं जिससे बच्चों आपको पता चल जाएगा ये वर्ड्स कहाँ से हैं. तो आप लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर टू में कि
Find three pairs of rhyming words from the given lines. Want, shout, about, doubt. If you want to giggle and shout, what is the easiest way out? तो if you want to giggle and shout, the easiest way क्या है बच्चों? Just look in the mirror. आपको mirror में देखना है और ही हा 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 ऐसा कर रही हूँ तो मैं देखो अपने आप को देख रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, तो best way है. आपको किसी और को नहीं पूछना है, mirror आपको बताएगा कि आप कैसे लग रहे हो. फोर्थ वाला आपको मिलेगा आंसर कि when you look in the mirror, you will see your face, your funny nose. तो ये nose जो है आपका वो आपको definitely दिखेगा. और एक बात बच्चों, जब आप mirror के सामने होते हैं तो automatic आपका हाथ इधर आएगा, nose को आप ये करोगे, है ना, eyes को clean करोगे. तो ये बातें भी होती हैं क्योंकि आपको अपने आप को एकदम व्यवस्थित रखना है, डर्टी अनटाइडी नहीं दिखना है. तो बाल भी आप सही करोगे और ऐसे करके आप सही दिखते हो क्योंकि मिरर आगे है. आपको अनटाइडी तो दिखना नहीं है क्योंकि अनटाइडी लोगों को फिर वैसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, इसलिए आप टाइडी और क्लीन रहते हो और क्लीन कपड़े पहनते हो. यूज़ द वर्ड डाउट इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. माई फादर हेल्प मी टू सॉल्व ऑल माई डाउट्स. फिर चाहे वो साम्स में हो या ज़िंदगी के डाउट्स हो, ठीक है, हमारे डैड होते हैं वो सब हमारे टेंशन्स दूर करते हैं. और हमको कभी रास्ते नहीं मिलते हैं बच्चों, तो वो हमारे रास्ते बहुत ही आसान कर देते हैं. सेकंड है, द चाइल्ड लुक्स हर नोज इन द मिरर. तो राइट है वो उनके 15th पेज यहाँ पे फिनिश हुआ बच्चों. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज क्या होता है यहाँ पे. When the child looked in the mirror, she sees her legs. तो wrong नहीं, वो अपने mirror में legs नहीं देखते हैं, कुछ और देखते हैं. ये हम जानेंगे वापस से, already हम जान चुके हैं. Use the word mirror in the sentence of your own. तो before going out, I just look inside myself in the mirror. तो मैं हमारे अपने आप को mirror में देखता हूँ, देखती हूँ. Fifth वाला यहाँ पे मार्क कर देती हूँ. द नोज स्ट्रक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ दिस शोज. राइट, तो जो नोज है हमारा वो ऐसा लगता है किसी ने स्टिक किया है. सिक्स, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज फनी थिंग. बिकॉज इट ग्रो स्ट्रेट विद टू लिटिल होल्स. तो ये आपको लिखना है. सेवेंथ, The nose is stuck in the space between the B, chin and forehead. Eighth, as per the child, if you want to giggle and shout, you should look at your, कहाँ पे देखना है, nose पे. तो कैसे आपका face funny लगता है ना. और हमने अभी पढ़ा कि नोज का जो इज स्टक्ड इन द स्पेस बिटवीन चिन एंड फोरहेड, तो ये दो पार्ट में नोज हमारा होता है. इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज. नाइन्थ वाला, नो, द चाइल्ड इन द पोएम डज नॉट लाइक हर नोज बिकॉज शी ऑलवेज लव्स व्हेन शी सीज द नोज इन द मिरर. क्योंकि ऐसे हंसते हैं तो बड़ा फनी हो जाता है ना, जैसे जोकर का फेस हुआ. वाई इज द नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि वो ब्रीथ करते, अगर हम ब्रीथ नहीं करें तो हम मर जाएंगे. इसलिए हम जब ऐसे आसन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारी इनप्योर एक्सहेल कर लेती है हम हमारी ब्रीदिंग, और इनहेल करती है हमारी फ्रेश वाली ब्रीदिंग, ठीक है. तो वी इनडायरेक्टली इनहेल और एक्सहेल. तो 11th में हम देखेंगे नोज हेल्प्स अस टू डैश एंड डैश. तो क्या करता है नोज हमें, प्रोटेक्ट करता है, हेल्प्स अस टू इनहेल और एक्सहेल, ठीक है. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नोजेस. एलन फिशर इज द, ये 12th वाला आंसर बच्चों, ये आपको अच्छे से टिक करना है और इसके स्पेलिंग लर्न करने हैं. ऑल द पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नोजेस.
Next question. Mention any four words to describe four different kinds of noses. Pointed noses, broad noses, flat noses, long noses. ये सब noses हैं. Next. 14th वाले. List the five senses organs of the human have the functions to perform. तो ये जो organs हैं हमारे वो किस लिए help करते हैं वो आपको यहाँ पेज नंबर 16 पे बताने हैं. आईज हम देखते हैं, ईयर्स हम सुनते हैं, नोज हम स्मेल करते हैं, टंग से हम देखते हैं बच्चों, टंग से हम टेस्ट करते हैं कैसा मम्मा ने बनाया है, कैसा टेस्ट है, राइट. तो ये चीज़ें हमें सिखाती है. तो आपको ये लर्न करना है और मिलते हैं 17 पेज में. तब तक ये पेजेस लर्न करके रखना. ऑल द बेस्ट.